अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। इसके मद्देनजर अयोध्या में प्रशासन तमाम प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। सबसे पहला प्रोटोकॉल कोरोना वायरस को लेकर है, जिस पर प्रशासन पूरी तरह फोकस है। DIG दीपक कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर तमाम एजेंसियों के साथ बैठक हुई, पूरी तैयारी है। सुरक्षा के सभी मानक पूरे किए जा चुके हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत अयोध्या में 5 अगस्त को एक साथ एक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा को जुटने नहीं दिया जाएगा। दीपक कुमार ने बताया कि जितने भी VVIP आएंगे या जितने भी आमंत्रित मेहमान आएंगे, उनकी सबकी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। सुरक्षा को लेकर हम पूरे तरीके से चाक चौबंद हैं, चाहे मेहमान हो या VVIP, फिर आम अयोध्या वासी को भी पूरी सुरक्षा दी जाएगी। अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या सहित फैजाबाद शहर के प्रवेश के सभी रास्तों पर पूर्व में किए इंतजामों पर निगरानी हो रही है। भूमि पूजन के मुख्य कार्यक्रम को पूर्व संध्या के पहले किसी को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान भीड़ न लगाने की अपील की है। राज्य सरकार COVID-19 को लेकर नियमों का पालन करते हुए इस बड़े आयोजन को संपन्न कराना चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन के दौरान COVID-19 और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर यह अपील की है।